हेलो दोस्तों, आज हम एक वीडियो लेके आया है। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आप लोग को बेसिक नॉलेज मिलेगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। तो आइए शुरू करते हैं इस आज जो टैबलेट के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिए तो आप लोगों को पूरा नॉलेज मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे टैग्रिटोल 200 टैबलेट के बारे में, टैग्रिटोल 200 टैबलेट के बारे में। जो उस टैबलेट का फ़ायदे क्या है, यूजेस क्या है, डोजेस क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, आज पूरा संपूर्ण नॉलेज मिलेगा आप लोगों को। तो आइए शुरू करते हैं टैग्रिटोल 200 टैबलेट के फ़ायदे। कौन कौन सी बीमारियों में ये टैबलेट यूज़ किया जाता है? तो पहले ये जो आपका सिसुर बीमारी में दिया जाता है, सिसुर जो कोई भी पेशेंट हो या कभी कभी आपका न्यूरोपैथी पेन में यूज़ किया जाता है, हाथ पैर में दर्द होता है, तब भी ये टैबलेट यूज़ किया जाता है। आपके नसों में दर्द हो, बॉडी में पेन हो, तो ये डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये टैबलेट 200 भी मिलता है, 400 भी मिलता है, मार्केट में ये मिल जाता है। टैग्रिटोल 200 भी मिल सकता है, 400 भी मिल सकता है। यह टैबलेट के द्वारा आपका जो बॉडी का पेन है, नसों में पेन है, नर्व का पेन है, हाथ पैर में पेन है, तो ये टैबलेट यूज़ किया जाता है। सुसुर जो बीमारियाँ है, जो हमारी भाषा में बोलते हैं मिर्गी बीमारियाँ जो है, मिर्गी बीमारियों में ये टैबलेट यूज़ किया जाता है। उसे सिसुर कहते हैं, सिसुर या मिर्गी बीमारियों में यह टैबलेट यूज़ किया जाता है। तो यह टैबलेट का बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो आप आइए शुरू करते हैं उसका डोजेस के बारे में, उसका डोज क्या हो सकता है। डॉक्टर की वेबसाइट से ही उसको दिन में 2 बार या 3 बार दिया जाता है, खाना खाने के बाद, या उस पेशेंट की ऊपर डिपेंड करता है उसका डोजेस इतना होना चाहिए। और उसका साइड इफ़ेक्ट आपका लॉस मोशन हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, आपका शक्कर आ सकता है, तो ये सब आपका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो आप लोगों को इस वीडियो में टैग्रिटोल 200 टैबलेट का पूरा नॉलेज मिल गया। तो अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।